भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, यानी कि मानक विचलन और प्रमाणिक विचलन की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को ये लगता है कि उन्हें मैथ नहीं आती और वो एग्ज़ाम में मैथ नहीं सॉल्व करेंगे, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, चलो यार हम भी इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रमाणिक मानक विचलन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और सॉल्व करते हैं हम मानक विचलन के। तो हम पहले बेसिक से चलेंगे। अगर मान लीजिए आपके आंकड़े इस प्रकार से दिए हो, 2, 4, 8, 6, 10, 12, मतलब दो प्रकार के आपके आंकड़े दिए जाएंगे, एक इस प्रकार से दिए जाएंगे, दूसरा आपको वर्ग अंतराल करके आंकड़े दिए जाएंगे, जैसे 1 से 3, 3 से 5, इस प्रकार से आपके आंकड़े दिए जाएंगे। तो पहले हम बेसिक चीज़ को समझते हैं। अगर आपके आंकड़े इस प्रकार दिए हों और आपको ज्ञात करना है मानक विचलन, तो मैंने आपको बताया था कि मानक विचलन क्या होता है। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें मान लीजिए इस प्रकार से हमें दिए गए हैं मानक विचलन के आंकड़े और इसको ज्ञात करना है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे। चलिए, हमने प्रश्न लिख लिया, मानक विचलन की गणना हमें करनी है 2, 4, 8, 6, 10 की। अब आइए, हमने कहा था कि आप सबसे पहले इनके माध्य निकालेंगे, ठीक है। आपने इनका माध्य निकाल लिया, ठीक है, माध्य निकाल लिया आपने। तो माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, मीन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, हमने आपस में जोड़ लिया इनको, 2 + 4 + 8 = 6, 10, 12, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 42 और हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा माध्य जो मीन होता है, हमने मीन निकाल लिया 7। और मानक विचलन क्या होता है, माध्य के सापेक्ष इनके फैलाव या बिखराव को हम कहते हैं मानक विचलन, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इनका माध्य निकाल लिया। अब माध्य से 7 से इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है वो निकाल के उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा माध्य आया 7, 2 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर, सॉरी हमने यहाँ लिख दिया 6 - 7 का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 8 - 7 का स्क्वायर, 10 - 7 का स्क्वायर और 12 - 7 का स्क्वायर, हमने इसमें से इसको घटा के उसका स्क्वायर कर दिया, ओके, बहुत अच्छी बात। तो 2 - 7 होगा -5 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 4 में से 7 गया बच्चा -3, स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा। 8 में से 7 गया 1, स्क्वायर कर देंगे 1 आ जाएगा। 6 में से 7 गया -1, स्क्वायर कर देंगे 1 आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, स्क्वायर कर देंगे 9 आ गया। और 12 में से 7 गया 5, स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा। और हम इसकी संख्याओं से 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया हमारा 70/6, 35/3। ये जो 35/3 हमारा निकला है, 35/3, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया विचरण, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। बिल्कुल यही चीज़ें बताई गई होंगी, विचरण कहते हैं। अब बस इसी वेरिएशन विचरण का अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक संभावित आंकड़े तक स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, समस्या ना, बस इसी चीज़ को हमने सबसे पहले फिर से मैं समझा देता हूँ। जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का माध्य निकाल लिया और माध्य के सापेक्ष इनका अंतर कितना है, तो इसमें से माध्य को घटा के उसका स्क्वायर क्यों किया जाता है ना, क्योंकि मान लीजिए 2 - 7 - 5 हो जाएगा, तो हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाते हैं, माइनस हट जाएगा, इसीलिए हम सबको स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर करने के बाद संख्याओं से भाग कर दिया, हमें जो प्राप्त हुआ उसको हम विचरण कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, और उसी का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी चीज़ को हम ऐसे ना लिख के अगर हम तालिका में लिख लेंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा, बात वही है लेकिन लिखा गया है बस तालिका में। क्या बात है, देखिए हमारा दिया है सवाल 2, 4, 8, 6, 10, हमने इसका माध्य निकाल लिया, माध्य कैसे निकाले, इन सबको जोड़ के और 6 से डिवाइड कर दिया, हमने माध्य निकाल लिया और माध्य को x बार कह दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इस माध्य से संख्याओं को घटाया था, बिल्कुल यहाँ घटाया था, ठीक है, वही घटा के स्क्वायर कर दिया और फिर हमने सबको जोड़ के हमने 6 से भाग दिया था, तो बस वही देखिए, हमने इन सबको जोड़ के 70 लिख दिया और फिर हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, समझ में आ गया। तो विचरण हमें बाद में निकलता था, फिर इसको हम क्या करते थे, वर्गमूल निकालते थे, हमने यहाँ पे सीधे वर्गमूल में रख दिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रुकिए प्यारे बच्चों, देखो हमने माध्य निकाला, माध्य के बाद इनके आपस में अंतर माइनस किया, स्क्वायर करके 6 से डिवाइड किया, जो हमें प्राप्त हुआ उसको हमने अंडर रूट कर दिया, वर्गमूल सॉरी इसका हमने स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट निकाल लिया इसका, ठीक है।
बस उसी चीज को हमने सेम चीज किया, बस तालिका में लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी इतना समझा रहे हैं जैसे छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, आप इसको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, समझ में आ गया दोस्तों? अगर आपको इस तरह से देगा मानक विचलन निकालने के लिए, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे, सबको आपस में जोड़ के जितनी संख्या है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। अब जब माध्य निकल गया तो बारी बारी से इसमें से घटा दीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए और सारे स्क्वायरों को आपस में जोड़ के आप जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरा रूप जो कि हमें अंतराल में दिया जाता है। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर हमें चूँकि एक तो दिया नहीं है आंकड़े, हमें अंतराल में दे दिए हैं और यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दे दिए हैं, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेंगे, क्या क्यों नहीं। अब कह रहा है कि हमने तुम्हें नंबर 1, 2, 3 में नहीं दिया, हमने तुमको अंतराल में दे दिया। तो ठीक है, आपने अंतराल में दे दिया तो हमें पता है हमें कैसे निकालना है। अब 1 और 3 दिया है तो इसकी जो बीच की बिंदु होगी उसको हम निकाल लेंगे, जिसको एक्स कहते हैं। तो 1 और 3 के बीच क्या आएगा, 2 आएगा। 3 और 5 के बीच क्या आएगा, 4 आएगा। 5 और 7 के बीच क्या आएगा, 6 आएगा। 7 और 9 के बीच क्या आएगा, 8 आएगा। अब आप कह सकते हो गुरुजी ये तो छोटी संख्याएं थी, हमें पता है इसके बीच। अगर मान लीजिए हमसे कह दे कि 65 और 85, तो इसके बीच का हम कैसे निकालेंगे? क्या हम उंगलियों पर गिनेंगे? बिल्कुल मत गिनिए, इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, निकल जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे तो देखिए ना, 3 और 1 के आपस में जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। यहाँ देखिए, 5 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कहने का मतलब है जब बड़ी संख्याएँ वास्तव में देती नहीं आपके एग्जाम में, अगर दे तो इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी छोटी संख्याएँ हैं तो आप इसके मध्य बिंदु आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सही। तो सवाल में हमने हमें इस तरह से दिया था तो हमने x निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, fx कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा क्या आ गया, fx आ गया 80। चलिए, बहुत सही। तो अब fx हमारा 80 आ गया, तो हमें तो सबसे पहले माध्य निकालना था ना, तो माध्य कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, fx का जो पूरा योग होगा उसको हम सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हमें माध्य तो निकालना ही है, हम माध्य निकालेंगे उसके बाद ही तो माइनस करके स्क्वायर करेंगे। बहुत सही। तो माध्य हमने कैसे निकाल लिया दोस्तों, एक्स बार हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, जो एफ एक्स हमने कराया था, ठीक है, उसका जैसे 40 × 2 कितना होगा, 80। 30 × 4 कितना होगा, 120। 20 × 6, 6 × 12 120, और 10 × 8 180। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हम, क्या करें। चलिए, तो x बार क्या हो जाएगा, सिग्मा f अपॉन सिग्मा f, तो 400/100 4 आ गया। अब हमारा माध्य निकल गया, माध्य निकल गया, उसी प्रकार जैसे हमारा यहाँ पे माध्य निकला था, माध्य निकल गया। अब हम माध्य निकलने के बाद क्या करते हैं, माध्य निकालने के बाद उसको घटा के स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए, 4 को हम x में घटा देते हैं, तो 2 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, फिर 6 − 4 2, 2 का स्क्वायर 4, और 8 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर 8, निकल गया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें क्या करेंगे, जो हमें स्क्वायर निकला है उसका हम एक बार फिर से f से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देंगे। तो 40 × 4 4 × 16 30 × 0 0 20 × 4 80 10 × 16 160 निकल गया। अब इसको हम सब ने जोड़ लिया। अब जोड़ लेने के बाद हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हमारा ये निकला है 400, इसको हम सिग्मा एफ से, सॉरी, जो हमारा 400 निकला है सिग्मा एफ से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई समस्या? आगे एक बार फिर से बता दें, आपको करना क्या है, अगर ऐसे देगा तो हम पहले एक्स निकाल लेंगे, और एक्स कैसे निकलता है दोस्तों, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करा के हमें एफ एक्स निकल गया, और एफ एक्स निकल से निकालने से हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें हमारा माध्य प्राप्त हो गया। माध्य इसको क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो होता है। तो सिग्मा एफ एक्स 400, सिग्मा एफ 100 हमें निकल गया, ठीक है, हमारा 4 हो गया। और हर बार की तरह फिर से इस बार अपने माध्य से इस संख्या की माइनस करा के उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्क करने के बाद हम f से इसको मल्टीप्लाई करा के जो सम होगा इसको हम फिर से सिग्मा f से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बहुत कॉमन है, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा इसमें कॉमन क्या है, बहुत कॉमन है दोस्तों। अब देखिए, माध्य निकालने में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। अब क्योंकि ये आसान है इसलिए हम आसान इस वाले में समझा देते हैं, ये वाला थोड़ा आसान है। तो
अब देखिए माध्य निकालने में हमने जिस संख्या से भाग दी है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में भी उसी संख्या से भाग दी है, राइट। हमने यहाँ पे 6 से भाग दिया, यहाँ भी 6 से भाग दिया, बिल्कुल वही। हमें यहाँ पे जब माध्य निकाला है तो माध्य में सिग्मा एफ से भाग दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सिग्मा एफ से भाग दिया, 100 से और 100 से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई दोस्तों। बस इसी प्रकार से आप माध्य को निकालिए। चलिए हम एक दो और प्रश्न ऐसे वीडियो बना के देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मानक विचलन निकालने की कई विधियाँ होती हैं, जैसे इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मीन एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट मेथड होता है, कई मेथड होते हैं, तो मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। मैंने जिस मेथड को थियोरी में पढ़ाया उसी मेथड को हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। मैं इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं पढ़ाऊँगा। जिस बच्चों को इसके अलावा कोई दूसरा मेथड पता है वो उस मेथड से सॉल्व करे, आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एक ही हम मेथड पढ़ें और उसी मेथड से हम एग्ज़ाम में सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मेथड नहीं लिखेगा, बस कहता है कि मानक विचलन ज्ञात करिए। तो हम मानक विचलन ज्ञात करेंगे एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड से हम ज्ञात करेंगे, जिसका क्या होता है, सबसे पहले हम मीन यानी कि माध्य निकालते हैं, फिर उन माध्यों को हमारी दी गई संख्या से माइनस करके स्क्वायर करते हैं, और फिर उस स्क्वायर को हम क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया है तो उस स्क्वायर को एक बार एफ से गुणा करा के सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे। अगर वर्ग अंतराल में नहीं दिया है तो केवल संख्याओं से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, मुझे समझ आ रहा है कि आपको कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अगर कोई दिक्कत समस्या आती है तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, समझ आया या नहीं आया, कैसे रहा ये वीडियो, अपनी विचार अपने राय कमेंट में बताइए, ताकि मुझे इस आधार पर समझ आएगा कि मुझे और इस आधार पर वीडियो बनानी है कि नहीं, तो मैं इस आधार पर और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, एक दो वीडियो। फिर मानक विचलन हम टोटली आज ख़त्म करने वाले हैं, इसके बारे में थियोरी भी बताई गई है वो भी आप देख लीजिए, और हमने यहाँ पे प्रश्नों को देख लिया वो भी आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, कमेंट में आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आपके विचार क्या है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ लोग होते हैं केवल लाइक करके चले जाते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत।